जिले का नाम रोशन किया है कला वर्ग में फर्स्ट आकर, आज आपने स्वागत भी किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रकाश को बधाई के रूप में और जिलेवासियों को? देखिए सर्वप्रथम तो जो प्रकाश है उसको बहुत बहुत बधाई। इसने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा और परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है पूरे राज्य में, सर्वाधिक कला वर्ग में अंक हासिल करके और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। मैं इसको, इसके सारे गुरुजन, सारे परिवार और पूरे जिलावासियों को इस बात की बधाई दूंगा कि इन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरीके से ज़िंदगी में अपनी मेहनत, कड़ी लगन और निष्ठा के आसार जो इसे लक्ष्य तय किया है उसको, ये उस मुकाम को हासिल करें। सर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक मानसिकता रहती है कि प्राइवेट बच्चों स्कूलों में बच्चे अच्छे पढ़ते हैं और इसने सरकारी स्कूल में पढ़ करके ये मुकाम हासिल किया, तो ऐसे में जिलेवासियों से सर क्या कहना चाहिए? देखिए इस संबंध में आप देखिए, हाथ कंगन को अर्सी क्या, मैं यही कहूँगा कि इसने प्रूव कर दिया है हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। और निश्चित रूप से प्रतिभाएँ सभी जगह हैं, उनको निखारने की आवश्यकता होती है, उनको एक तरीके से संरक्षित और सहारा देने की ज़रूरत होती है, जिसको हमारे सभी गुरुजनों ने मिलकर के पूर्ण किया है। और आप देखेंगे कि राजकीय जो विद्यालय हैं उनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से अध्ययन के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में बेहतरीन व्यवस्थाएँ कोशिश हो रही है, राज्य सरकार की ओर से पूर्ण प्रयास जारी है। तो मैं यही कहूँगा कि राजकीय विद्यालय किसी भी सूरत में निजी विद्यालयों से कम नहीं है। प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद कैसी बधाइयाँ मिल रही है, लोगों को कितना प्रेम मिल रहा है और कितने प्रशंसक हैं जो लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं? बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, फोन कॉल्स पे बहुत से लोग घर पर मिलने भी आ रहे हैं, बधाइयाँ देने के लिए। 3 दिन से ये सिलसिला चल रहा है बधाइयाँ देने। कितना अच्छा लग रहा है आज प्रशासन ने आपकी, जिला कलेक्टर ने बधाई दी है, कितना अच्छा लग रहा है? मेरी बचपन से IAS ऑफिसर बनने की इच्छा थी, आज IAS ऑफिसर से मिला हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। क्या कहा कलेक्टर साहब ने अभी आप मिले? कलेक्टर साहब ने कहा बस मेहनत करो, लक्ष्य अपने आप बनते हैं, आपने जो तय किया है। आप भी इसी प्रकार कलेक्टर बनना चाहते हैं? बचपन से IAS ऑफिसर।